देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में। तो जब भारत के हम लोग राष्ट्रपति पूरा खत्म कर चुके हैं, तो सबसे पहले ये जानिए जो भारत में प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 75 के तहत। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं किसी बहुमत दल के नेता को, या जब बहुमत भंग हो जाता है तो किसी बड़े पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये सब जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 75, 74 ये सब पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री की सूचियों क्या है। तो सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो शासनकाल है कब से कब तक है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। देखिए भारत के प्रधानमंत्री की सूची क्या क्या है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर। उसके बाद कार्यवाहक, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जब मर गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसी को चुना जा रहा था। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने थे हमारे देश के अभी तक के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, तो गुलजारी लाल नंदा। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और अभी तक के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे, तो जब 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। और मात्र 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों बार 13-13 दिनों के लिए। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद बने, और दूसरी बार जो बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल खत्म हुआ 1947 से 1964 तक। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो ये हो जाएंगे, तो गुलजारी लाल नंदा 1964 से 1964 तक थे। उसके बाद आया फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो भारत में प्रधानमंत्री बने, तो 1964 से 1966 तक इनका शासनकाल है, 1964 से 1966 तक। और देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री में इनको गिना जाता है। इनकी धोती फटी थी फिर भी ये प्रधानमंत्री बने थे, सब नया धोती नहीं ले रहे थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई, 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में। ताशकंद समझौते के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को। कहाँ हुई थी, ताशकंद में। तो फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक फिर 13 दिनों के लिए ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो गुलजारी लाल नंदा फिर बने 1966 से 1977। अब इसके बाद कोई भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बना। गुलजारी लाल नंदा मात्र दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, और हमारे देश के मात्र एक ऐसे व्यक्ति है जो अभी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, तो गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। उसके बाद आया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी का पहला टर्म में जो शासनकाल था 1966 से 1977 तक था। इंदिरा गांधी का पहला शासनकाल 1966 से 1977 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी जो सब सत्ता से जब बहुमत में से हट गए इंदिरा गांधी, तब इंदिरा गांधी के बाद आया मोरारजी देसाई। तो आपसे ये पूछा जाएगा केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी 1977 में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी 1977 में, और किस पार्टी की बनी थी, तो जनता पार्टी की। जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। तो जनता पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे,
तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो क्या हुआ, मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक ये राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे, ये भी अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, पूरा कार्यकाल नहीं, इनकी सरकार गिर गई 1979 में, 2 साल में इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भी भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक शासन किए, ये भी 5 साल नहीं करवाए, ये एक ही साल में इनकी सरकार गिर गई चौधरी चरण सिंह की। उसके बाद फिर पुनः इंदिरा गांधी सत्ता में आई, पहला टर्म में तो 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी रही 11 साल। उसके बाद जब बीच में 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई बने, फिर 1979 से 1980 तक चौधरी चरण सिंह बने, उसके बाद फिर पूरा सत्ता में कौन आई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1980 में प्रधानमंत्री बनी और 1980 से 1984 में इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। तो आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी का शासनकाल पहली टर्म में कब था 1966 से 1977 तक और दूसरे टर्म में 1980 से 1984 तक। 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी फिर दूसरी बार सत्ता में आई थी 1980 से 1984 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी का जो बेटा था राजीव गांधी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना। तो राजीव गांधी 1984 से 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहा, ये 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1984 से 1989 तक इसका शासनकाल है प्रधानमंत्री पद पर तो राजीव गांधी का। और राजीव गांधी को सबसे युवा पीएम कहा जाता है, मतलब सबसे यंग प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। मात्र 40 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन, मोरारजी देसाई। सब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई पूछा जाएगा। और राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो 1984 से 1989 तक इनके शासनकाल है। और उसके बाद राजीव गांधी के जो वित्त मंत्री थे ना, ये राजीव गांधी पकड़ा गया बोफोर्स घोटाला में, राजीव गांधी पकड़ा गया। उसके बाद इनके वित्त मंत्री थे बीपी सिंह, कहने का मतलब हो गया विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने मंडल आयोग के सिफारिशों का लागू किया था 13 अगस्त 1990 को। ये सब क्वेश्चन याद रखेगा जो बोल रहे हैं उसको भी। राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी के वित्त मंत्री थे, जो भारत के वित्त मंत्री थे राजीव गांधी के सरकार में, वही प्रधानमंत्री बने 1989 में और 1989 से 1990 तक रहे। और 13 अगस्त 1990 को बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग के सिफारिशों का लागू किया था, कब, 13 अगस्त 1990 को। किसने लागू किया, किस प्रधानमंत्री ने, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1989 से 90। अब 10वें प्रधानमंत्री तक हो गया, उसके बाद 11 में कौन है, देखिए 11 में आए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह के बाद। तो बीपी सिंह के बाद ये बने 1990 से 1991 तक किए रहे, ये भी एक ही साल में इनकी सरकार गिर गई 1990 से 1991 तक इनकी सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर को कांग्रेस में युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, कहेगा युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंद्रशेखर को, याद रखेगा युवा तुर्क किसे कहा जाता है, चंद्रशेखर को। उसके बाद चंद्रशेखर के बाद आए पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम हो जाएगा पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, याद रखिएगा पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम है। और ये 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किए, 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन, पीवी नरसिम्हा राव। आइए दक्षिण भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने थे, तो आपसे पूछा जाएगा पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, पीवी नरसिम्हा राव, याद रखेगा पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन, पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है अभी भी सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर किसका रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे बड़ा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सबसे बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1947 से 1964 तक थे, पर कहेगा सबसे छोटा तो अटल बिहारी वाजपेयी का। मात्र 13 दिनों तक ही प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी, मात्र 13 दिन में। और आप लोग कहिएगा कि 13 दिन तो गुलजारीलाल नंदा भी प्रधानमंत्री रहे, तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा वो दो नंबर बने थे लेकिन वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री नहीं। पर पूछेगा प्रधानमंत्री पद पर सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का, कंफ्यूजन क्लियर, जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री बने रहे थे, 13 दिन, और ये जो गुलजारीलाल नंदा है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे मात्र 13 दिनों के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996 तक रहे।
13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आया एचडी देवगौड़ा। तो एचडी देवगौड़ा जो था, एचडी देवगौड़ा का पहले पूरा नाम जानिए। ये सब दक्षिण भारत के व्यक्ति सब, इनका नाम बहुत बड़ा बड़ा, इसीलिए शॉर्ट नेम लिखे। एचडी देवगौड़ा का पूरा नाम हो जाएगा हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा। क्या हो जाएगा? हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा। पीवी नरसिम्हा राव का पामूलापति वेंकट नरसिम्हा राव, और एचडी देवगौड़ा का हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा, याद रखेगा। तो एचडी देवगौड़ा 1996 से 1997 तक प्रधानमंत्री रहे, और ये दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? एचडी देवगौड़ा, याद रखेगा। दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, और प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद एचडी देवगौड़ा दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आए इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल कब से कब तक रहे? 1997 से 1998 तक। 1997 से 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री पद पर कार्य किए। इंद्र कुमार गुजराल के बाद आया कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन में 3 बार प्रधानमंत्री बने। फर्स्ट टर्म बने थे मात्र 13 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। उसके बाद जब दूसरी बार बने तो 13 महीना के लिए। पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 दिनों, 13 महीना के लिए। उसके बाद जब तीसरी बार बने तो 5 साल के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया, अटल बिहारी वाजपेयी कब आए? 1998 में। तो 1998 से 2004 तक, जोड़ लीजिए, 1998 से 2004 तक, 1998 से 2004 तक, पहला बार 13 दिन, दूसरा बार 13 महीना, तीसरा बार 5 साल। तो 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा जाता है? बाबा के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर मिलते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। और 2004 से 2014 तक हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आप जानते हैं 2014 से अभी तक जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। 2014 से ना, मतलब अभी तक प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और अभी तक एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है, देख लीजिए। एक से अधिक बार, सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 3 कार्यकाल के लिए चुने गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी 3 कार्यकाल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1947 से 1964 तक 17 साल, सीधे 5 15 3 बार चुने गए। उसके बाद आए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी 3 बार, देखिए 1966 से 1977 11 साल ये हुआ। उसके बाद 1980 से 1984 4 साल, पूरा 15 साल हुआ, 3 बार ये प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, और मनमोहन सिंह 2 बार बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिनों के लिए, दूसरी बार 13 महीना के लिए, और तीसरी बार 5 साल के लिए। तो ये प्रधानमंत्री की सूची थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रधानमंत्री से जो संबंधित विशेष तथ्य, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक लाइन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और आपके 12th के एग्जाम में, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।